हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टक्कीज यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको कि आप एक 4x4 आरसी रेसिंग व्हीकल कैसे बनाएं। यह है मेरी होममेड आरसी रेसिंग व्हीकल। इसमें मैंने ज्यादातर चीजों को अपने हाथों से बनाया है, जैसे कि चैसी, पावर ड्राइव सिस्टम, रेडियो रिसीवर, रिले सर्किट, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, सस्पेंशन। चलिए हम सबसे पहले इसके चैसी से शुरुआत करते हैं। इसकी चैसी को मैंने एल्यूमिनियम से बनाया है, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि इसे काटना और इसमें ड्रिल करना इजी होता है। और ये साथ में हल्का भी होता है। अब हम इसके रियर और फ्रंट एक्सल की बात करते हैं। इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया था। इसमें मैंने सस्पेंशन के लिए स्विंग आर्म सस्पेंशन मैकेनिज्म का यूज किया है और इसके शॉक एब्जॉर्बर्स को मैंने रेडियो रिसीवर के एंटीना की हेल्प से बनाया है। फ्रंट और रेयर दोनों के लिए ड्राइव ट्रेन सिस्टम को मैंने BLDC मोटर और गियर्स की हेल्प से बनाया है। गियर BLDC मोटर के RPM को कम कर देता है और इसके टॉर्क को बढ़ा देता है, जिससे हमारे 4x4 व्हीकल को बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलता है। ये हमारा 1400 KV का BLDC मोटर है। इस गियर ड्राइव सिस्टम के लिए भी मैंने एल्युमिनियम का ही यूज किया है, क्योंकि ये लाइट और स्ट्रॉन्ग दोनों होता है। मैंने ड्राइव ट्रेन को रियर और फ्रंट एक्सल से जोड़ने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया है, जिसे मैंने कॉपर शीट से बनाया है। अब हम इसके रेडियो रिसीवर की बात करते हैं। इसे मैंने INRF 24L01 LA की मदद से बनाया है, जो कि एक ट्रांस रिसीवर है। और इसमें मैंने Arduino Nano का यूज किया है, जो कि एक प्रोग्रामेबल IC है। ये हमारे BLDC मोटर को और सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए PWM सिग्नल जनरेट करती है। इससे हम अपने 4x4 व्हीकल को वेरिएबल स्पीड पे चला सकते हैं, स्लो और फास्ट दोनों। यह है इसका रिले सर्किट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें PLDC मोटर को
काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए ESC की बोथ वायर को स्वाइप करना पड़ता है। ये काम हमारा ये रिले सर्किट कर देता है। इस रिले सर्किट को बनाने के लिए मैंने 5 वोल्ट के रिले का यूज किया है। जो कि आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये रिले सर्किट हमारे लिए बोथ वायर्स को स्वाइप कर देता है ESC के। यह है इसका सर्किट डायग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ESC जिसकी मैंने 3 वायर को ब्लू येलो रेड से डिनोट किया है। ये है रिले 1 और ये है रिले 2। ये रिले की बहुत क्वाइल है जिसको हम 5 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं। और ये है हमारी कॉमन, और ये होता है नॉर्मल क्लोज, और ये होता है नॉर्मल ओपन। नॉर्मल क्लोज का मतलब जब रिले ऑफ होता है तो इसका जो कॉमन टर्मिनल होता है वो नॉर्मल क्लोज के साथ अटैच रहता है। जब हम रिले को रिसीवर की मदद से सिग्नल भेजते हैं तो रिले ट्रिगर हो जाता है और कॉमन वायर नॉर्मल क्लोज के साथ अटैच हो जाता है। जैसा कि आप देखें जो ऊपर वाला डायग्राम है वो तब के लिए है जब हमारे रिसीवर से रिले को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, इस समय हमारा रिले ऑफ है। नीचे वाला डायग्राम हमें ये बताता है कि जब हम रिले को रिसीवर की मदद से ट्रिगर करते हैं तो रिले का कॉमन रिले के NO के साथ जुड़ जाता है। जिससे हमारी BLDC मोटर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट कर सकती है। इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें छोटा सा सर्किट यूज करना पड़ा है। इसे मैंने सर्वो मोटर में से निकाला है और इसमें आप जो ये प्रीसेटर लगा हुआ देख रहे हैं इसकी मदद से मैंने इसकी वैल्यू एडजस्ट कर दी है और इसे हॉट ग्लू से फिक्स कर दिया है जिससे कि पोटेंशियोमीटर कभी अपनी वैल्यू ना चेंज कर ले शॉक लगने की वजह से। इसमें हमें ऑफ करने पे 0 वोल्ट और ऑन करने पे 5 वोल्ट मिलता है और ये हमें हमारे रिले को ट्रिगर करने के लिए सफिशियंट होता है। इसे हमें इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि हमारे जो रिसीवर से जो सिग्नल निकलती है वो बहुत वीक होती है और ये उसको एक टाइप से एम्पलीफाई कर देता है। ये हमारे BLDC मोटर को कंट्रोल करने वाला 30 एम्प का ESC जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है। इसे हमने रिसीवर के D4 और स्टीयरिंग को हमने D2 के साथ जोड़ा है और ऑक्स को हमने D6 के साथ जोड़ा है। ये हमारा रेडियो ट्रांसमीटर, इसे भी मैंने NRF24L01 और Arduino Nano की हेल्प से बनाया है। ये इसके जॉयस्टिक से हैं, ये इसकी ऑक्स पिन्स, चलिए अब हम 4x4 RC व्हीकल के साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं। यह 11.1 वोल्ट की लाइपो बैटरी जो 2200 mAh की है। हमें प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करना है। आपको एक बीप सुनाई दे रही होगी, ये बीप जब कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब हमारा रिसीवर ट्रांसमीटर के साथ पेयर अप हो चुका है। We'll be right back.
जब हमारा ऑक्स ऑफ रहता है तो हमारी आरसी व्हीकल फॉरवर्ड की ओर मूव करती है। जब हम ऑक्स को ऑन कर देते हैं हमारी आरसी व्हीकल रिवर्स की ओर जाती है, मीन्स बैकवर्ड। यूनिवर्सल जॉइंट का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये पावर ट्रांसमिट को सर्टेन एंगल तक कर सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी ड्राइव ट्रेन हमारे रेल एक्सल से थोड़ा नीचे है। ये इसका रिवर्स। आपको इसके रिसीवर ट्रांसमीटर के सर्किट डायग्राम और पोर्ट्स लिंक में मिल जाएंगे और साथ में आपको रिले सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा। चलिए अब हम इसे आउटसाइड में टेस्ट करने के लिए ले चलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो अपडेट्स।